वाली मिट्टी देखें, इसका रंग तो खैर वो नॉर्मल मिट्टी की तरह है, जो यहाँ ये जो पहाड़ की मिट्टी है, तो ये देखें ये मिट्टी जो है ये नॉर्मल मिट्टी है, ये पहाड़ की रंग। अब एक आगे जो मिट्टी है वो बड़ी खमाल की और बड़ी ख़ास मिट्टी है, उस मिट्टी में की बहुत सारी क्या नाम है क्वालिटीज़ हैं जो बाबर भाई आपको बताएंगे, जो मेरे साथ मौजूद हैं, ये कलर कार में ही होते हैं तो ये यहीं काम करते हैं, तो मैं आपको उनसे बताऊंगा। तो बाबर भाई तुम्हें कार में चले गए हैं, तो अभी मैं आपको खुद ही बताऊंगा। ये वो जगह है। आए 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 आए, ये मेरे साथ जहीर भाई आ गए हैं, तो ये जहीर भाई आप जहीर भाई आए हैं, तुझे आपको बताएंगे। जहीर भाई आ गए, ये वो जगह अरे दस चल दस 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 हाँ बार भाई सारी बातें छोड़े हो आप, क्योंकि आप एक सीरियस मिजाज नहीं है। तो बाबा मैं ये बताएंगे ये जो यहाँ की ये जो लाल मिट्टी है, ये जो इस एरिया में पाई जाती है गालबन, सिर्फ ये चांद की जो एरिया इधर पाई जाती है, इस लाल मिट्टी की क्या वजह है, ये क्यों लाल मिट्टी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो लाल मिट्टी है ये चंद एक मीटर के फासले में होती है, इस मिट्टी की कोई ख़ास खासियत होती है, जैसे कि ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको आप पानी में पेस्ट बना के इसको अपने चेहरे पर लगाएँ, इसके साथ साथ आप इसको जितना ज़्यादा चेहरे पर इस्तेमाल करेंगे आपकी चेहरे की रंगत उतनी ज्यादा निखरेगी। ये ही वो मिट्टी है कार की, लाल मिट्टी है और जो बहुत मशहूर है और कई केमिकल के अंदर उसके अलावा अधिवाज के अंदर डलती है, ये सिर्फ इस एरिया में पाई जाती है, उससे आगे दूर तक इसका मतलब कि थोड़ी सी ज्यादा आगे नहीं है, ये थोड़ी सी पैमाने पर यहाँ इस पहाड़ी के अंदर पाई जाती है, लेकिन इसकी बहुत सारी खासियत है इस लाल मिट्टी की। इस लाल मिट्टी से बहुत सारी बीमारियों की दवाएं भी बनाई जाती हैं और ये चेहरे के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है, इसमें कील मासे वगैरह दूर होते हैं। ये वो मिट्टी है कलकार की शहरी के सामने, ये रास्ते के अंदर ये वाला वो एरिया आता है, तो इससे थोड़े से दूर पर है वो क्या नाम है म्यूज़ियम है कलकार का, उसके ऊपर तख्त बाबरी है और ये उसके साथ ये वो चांद एक वो एरिया जहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ दूसरे पहाड़ी है, अब इससे थोड़ी सी दूर जाएँ तो यहाँ वो लाल मिट्टी नहीं है, सिर्फ उस जगह पर वो लाल मिट्टी है, उस लाल मिट्टी की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और ये आपके चेहरा पर अगर ख़राब हो या स्किन पर कोई मसला हो तो आप जिसम पर इसको मल के नहा सकते हैं, जो आपकी जिसम के लिए काफ़ी अच्छी साबित होगा। ये बहुत एक अच्छी मानी जानी हुई मिट्टी है और यहाँ से काफ़ी लोग इसको ले के जाते हैं। तो व्यूअर्स अभी चलते हैं वापस घर की तरफ। ये यहाँ तालाब भी है व्यूअर्स, ये एक छोटा सा तालाब।